जी जय सियाराम। सबसे पहले तो जय सियाराम बोलूँगी और इट्स वेरी ये बहुत ही दिलचस्पी की बात है कि राम मंदिर फिर से आने वाला है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में। और रामायण ज्योतिष इज़ अ वेरी वेरी यूनिक पार्ट, बहुत ही अनोखा भाग है। और इसमें हमारा गुरुजी कुछ बोलेंगे, कुछ सीक्रेट्स बोलेंगे, कुछ गुप्त नॉलेज, गुप्त ज्ञान देंगे। मुझे लग रहा है कि सारी दुनिया को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो सब सिखाते हैं, लेकिन जो किताबों में छुपा हुआ नॉलेज, जैसे महाभारत नॉलेज, पुराण का नॉलेज और अब रामायण का नॉलेज, इसका सबको नहीं आता। इसीलिए ये यूनिक अवसर पे मुझे लग रहा है कि सबको आना चाहिए। मैं 2 साल पहले घोषणा कर दिया था कि आने वाले इलेक्शन में 360 सीट का कैलकुलेशन था, गणित था मेरा 360। पिछले वाले इलेक्शन का मैं वैसे भी 2 साल पहले करता हूँ, इलेक्शन से पहले नहीं करता। 307 गलत हुआ, 303 हो गया। इस बार मैंने 360 बोला है, सबको पता है, स्टूडेंट लोगों को सबको पता है। और उम्मीद है कि फिर से मैं गलत हो जाऊंगा, इस 400 हो जाए। अरे ज्योतिष अयोध्या में नहीं होगा तो होगा कहाँ? ज्योतिष तो सूर्य, सत्य ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा, सूर्य ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। और सूर्य के सबसे उत्तम किरण से आए हैं श्री राम, तो अयोध्या में नहीं होगा, ज्योतिष तो होगा कहाँ? ज्योतिष का ये हालत इसलिए है कि अयोध्या जी से ही हट गया। जिस दिन अयोध्या जी में एकदम झंडा गड़ जाएगा ज्योतिष का, सारे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। तो ये तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टाइम है हिस्ट्री में, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है, क्योंकि यहाँ पर अब जो आगे पूरे वर्ल्ड में जो अभी होने वाला है अगले 10 साल में इंडिया के हिसाब से, वो कहीं और नहीं होगा। एक बिल्कुल इसकी पक्की बात है। इकोनॉमिकली हमारे वेदों, वेदांग शास्त्रों से, सब कुछ से सबसे महत्वपूर्ण टाइम अभी यही है। और पूरे वर्ल्ड में अगर जो युद्ध होगा, जहां पर भी अभी तो चल ही रहा है, आपको पता ही है, तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो इंडिया मतलब लीड करेगा पीस में, अपने ज्ञान शास्त्र में और ये सब में। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष का आयोजन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता गुरु आदरणीय पंडित संजय रथ जी हैं, और उनके संयोजन में, मेरे आयोजन में तकरीबन 28 देशों के लोग आए हैं, प्लस पूरे देश भर के लोग आए हैं। ऐसे 100 ज्योतिषाचार यहाँ पर शिक्षा दीक्षा अगले 5 दिन लेंगे। ये कल्पना इसलिए मेरे मन में आई कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, सूर्य का ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व है, महत्व हर ग्रहों का है। ज्योतिष विद्या अपने भारत सनातन की मूल विद्या है, एक विज्ञान है। इसको ही देश नहीं पूरा विदेश जाने, ये शिक्षा पूरे विदेशों में फैले, इसके लिए आदरणीय संजय रथ जी ने काफ़ी प्रयास किया है और उसका असर दिखा है कि इनके कम से कम, मैं पूछ रहा था, हम लोगों ने देखा है, हम उनके शिष्य हैं, आते जाते रहते हैं, तकरीबन 50+ देशों में उन्होंने कार्यक्रम किए हैं और वहाँ के लोग इनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं।